हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। दिस इज़ पार्ट 5। तो पार्ट 5, जैसे मैंने आपको कहा कि ये लड़का साबित कर रहा है अपने दोस्त के सामने, देखो इस लड़की को मैं कैसे कंट्रोल करके रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इस लड़की का ऐसे ग्रेजुएशन हुआ है, नॉर्मल से ग्रेजुएशन। फिर ग्रेजुएशन के टाइम में जब ये इसका लड़की का कोर्स ख़त्म हुआ, अभी तो उस लड़की को पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन भी तो करना है। तो ग्रेजुएशन का फिर फॉर्म भरना होता है, तो फॉर्म भरने के लिए बहुत लाइन लगाना पड़ता है। इस लड़की को उस लड़के ने थोड़ा सा भी हेल्प नहीं किया कि भाई रिलेशनशिप में है, इतना प्यार है तो जाओ तो उस लड़की को हेल्प करो, कुछ नहीं हेल्प किया। वो लड़की अकेले धूप में बैठी खड़ी हुई घंटों तक फॉर्म भरती रही, फॉर्म खड़े लाइन में रहे, फॉर्म लिया, फॉर्म भरा, ऐसा किया, ठीक है। इवन कि उसका भाई जो एक ही टाउन में रहता था, पूछने भी नहीं आता था कभी उसको कि भाई तुम कैसी हो, नहीं हो, भाई फॉर्म उठाना है तो चलो मैं तुमको हेल्प कर देता, कुछ नहीं, कभी नहीं, थोड़ा सा भी कुछ हेल्प नहीं किया, कुछ नहीं, किसी ने उस लड़की को हेल्प नहीं किया। उस लड़की ने फिर अकेले ही सब कुछ किया। तो चलो, तो 2 साल तो हो चुके थे उसका, मतलब प्लस टू के बाद उसका एडमिशन हुआ, 2 साल के बाद, तो एक साल बाद, तो बहुत, और परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन ये तो होता है, भगवान का ग्रेस था उसके ऊपर, भगवान का आशीर्वाद था कि उसको लड़की को फाइनली मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ये भगवान का पूरा आशीर्वाद था, नहीं तो उस लड़की को शायद एडमिशन भी ना मिलता कॉलेज में, रेगुलर कोर्स में। तो चलो मिल गया एडमिशन, लड़की पढ़ाई करना स्टार्ट किया, लेकिन पढ़ाई में तो लड़की का मन नहीं था, क्योंकि कैसे पढ़ाई करने के लिए तो यू नीड टू हैव अ स्टेबल मेंटल कंडीशन। उस लड़की का मेंटल कंडीशन पूरा डिसबैलेंस हो गया था। जो लड़की समझी थी कि बाहर आके वो बहुत खुश रहेगी, एकदम खुश नहीं रहती थी, हर वक्त होती थी। घर में तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत कभी कभार हंस ली, मतलब नॉर्मल, उस लड़के का उतना मतलब हक नहीं जमा पाता था वो लड़का, तो फिर भी तब तो घर में बदतर था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो अच्छी रहती थी घर में। बाहर आने के बाद तो उसको लगा कि उसकी ज़िंदगी तो मतलब जैसे किसी ने पूरा ले लिया हो, छीन लिया हो, उसका कुछ भी उसके हाथ में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हेल्प तो नहीं किया, उसके बाद उसका ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के टाइम में भी उसका रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं हुआ, बहुत खराबी हुआ, कैसे करके उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसने, क्योंकि उसका मेंटल कंडीशन एकदम अच्छा नहीं रहता था, पढ़ाई भी कुछ नहीं करती थी, हमेशा उसके ख्याल में खोई रहना। और ये लड़का जो है अपना पढ़ाई ठीक से करता था, ठीक है, और कभी इस लड़की को फिर उस ये लड़का टाइम नहीं देता था, बात नहीं करता था। इस लड़की उसके तरीके रात रात भर जगी रहती थी, और लड़का फ़ोन ही नहीं करता था, फ़ोन रिसीव करके बोलता था फ़ोन रखा भी नहीं, बात करना है। और उसके बाद जब बहुत देर तक जगे रहने के बाद 2-3 बजे तक, उसके बाद वो लड़का क्या सो जाता था, उसको इन्फॉर्म करने का भी कुछ फ़ोन नहीं करता, कोशिश भी नहीं करता था, ठीक है। ऐसे करके बहुत मैनिपुलेट, उसके लड़की के साथ मुलाकात भी नहीं करता था। लेकिन ऐसा नहीं है उस लड़की को छोड़ दिया, छोड़ा भी नहीं है, लेकिन वो लड़का अपने में मगन है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ये करना वो करना, चिल आउट करना, ठीक है, उस लड़की को झूठ बोल के यहाँ वहाँ जाना, ऐसा नहीं है। वो लड़की डोमिनेट करती थी, कभी नहीं मना करती थी, लेकिन ये लड़का कभी अगर बोलता था कि इस लड़की चलो आज मिलो, तो लड़का बोलता था मेरी तबीयत अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो लड़का बाहर घूमने जाता था। वो लड़की पकड़ लेती थी, लेकिन फिर भी कभी झमेला नहीं करती थी कि चलो तुम बाहर घूमे, उसको ख़राब लगता था कि मेरे से तुम मिलने नहीं आ रहे हो, लेकिन तुम दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूम रहे हो। उसको बहुत बुरा लगता था कि उसकी ज़िंदगी में और कोई था नहीं, गाइस वही था, सिर्फ वही था। और उसने तो सारा रास्ता भी ब्लॉक कर दिया कि उस लड़की के ज़िंदगी में कोई ना हो। जो कार्मिक करते हैं, कार्मिक क्या करते हैं, आपके ज़िंदगी में से सारे दोस्त सब कुछ हटा देते हैं, और ताकि आपका सारा सोल कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उस कार्मिक के ऊपर रहे, सारा कॉन्सेंट्रेशन उनके ऊपर है, सारा फोकस उनके ऊपर है। ये लड़का वैसा ही उसकी ज़िंदगी में किया सब कुछ, से उसकी मम्मी पापा के साथ भी थोड़ा बहुत भी जितना बॉन्डिंग था ये लड़की का, तो अटैचमेंट पूरा ही हो गया इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद। और इसकी माँ तो फील कर पाती थी, उसको माँ को भी, माँ भी तो नार्सिसिस्ट है, माँ को भी अटेंशन चाहिए। माँ को समझ में आ रहा था कि भाई बेटी तो मेरे से अभी प्यार नहीं कर रही है, बेटी तो मेरे को टाइम नहीं दे रही है, बेटी तो मेरे से बात नहीं करना चाहती है, जैसे जो पहले थी, जो लड़की जो माँ को
बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो धीरे धीरे ऐसा उसकी ज़िंदगी बदतर होती गई बदतर होती गई। सब लोग बोलते गए भाई छोड़ दो उसको छोड़ दो, लेकिन ये लड़की कोशिश करती रही कोशिश करती रही कोशिश करती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और हमेशा उसको नीचा दिखाता था ये लड़का कि भाई तुम वहाँ से कुछ नहीं होगा, तुम ये नहीं करोगी, तुम क्या करोगी, तुम जॉब करोगी, तुमको कौन जॉब देगा, और तुम तो जॉब मैं तुमको करने भी नहीं दूंगा, अगर तुमको मिल भी गया तो भी क्या, तुमको कोई जॉब नहीं मिलेगा, तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे। उस लड़की का बहुत मन था कि वो कॉमर्स को लेके पढ़े, लेकिन उसको उसका बॉयफ्रेंड में भी उसमें भी बैड लगा थी, नहीं तुम कॉमर्स नहीं करोगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम ये सब्जेक्ट नहीं लोगी, तुम वैसा नहीं लोगी, तुम MBA नहीं करोगी। इस लड़की का MBA करने का भी मन था, उसका भाई और ये जो बॉयफ्रेंड था वो दोनों मिलके मतलब प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में खड़ा कर दिया, उसको MBA भी करने नहीं दिया ताकि वो ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाए, उसके सारे करियर के रास्ते बंद हो जाए। ठीक है, जो वो लड़की करना चाहती थी अपने ज़िंदगी में, क्योंकि उस लड़की में उस लड़की का तो कॉन्फिडेंस हो गया था, लेकिन उसको लड़की को ये पता था कि वो अच्छा कर सकती है, मतलब उसकी पोटेंशियल है। ये लड़की को पता था कि वो जो काम करती है वो बहुत अच्छा करती है, और ये सबको पता था, और ये डर था इन सब लोगों में, ये सारे कार्मिक्स में सब डर था कि ये लड़की आगे बढ़ जाएगी, उसको आगे बढ़ने ये लोग कोई भी नहीं चाहते थे कि लड़की आगे बढ़े, इसीलिए सारा ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया उसका, मतलब ऐसा क्रिएट कर दिया कि वो लड़की कोई डिसीजन लेने के काबिल ही ना हो, ऐसा उसका हालत बना दिया। ठीक है, उसका लाइफ का सारा कंट्रोल उससे छीन लिया गया, और उसकी माँ भी बहुत ही कंट्रोलिंग थी। उसका माँ का ये एजेंडा था कि भाई मैंने तुमको जन्म दिया है तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं मेरी है, मैं जैसा कहूँगी वैसे ही करना पड़ेगा, तुमको ग्रेटफुल होना है कि भाई मैं तुमको खाने पीने दे रही हूँ, तुमको जन्म दिया, ये किया है वो किया है, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ, इट्स माई लाइफ, आई एम गोइंग टू से यू गोइंग टू डू वॉट आई एम गोइंग टू से यू। ओके, ऐसा उसकी मम्मी का रवैया था। जितना भी एक बात समझ लीजिएगा, आपके साथ आपकी माँ का या घर वालों का जितना भी खराब रिलेशन हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर बाहर वाले कुछ खराब बोलेंगे आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं है कि लड़की फिर मम्मी को प्यार नहीं करती, फिर भी मम्मी को प्यार तो करती थी लेकिन डिटैच हो गई थी। ठीक है, मम्मी से दूर हो गई थी, लेकिन ये जो लड़का था हमेशा उसकी माँ को बाप को भाई को सबको गाली देता था, गंदा गंदा गाली ये वो। ठीक है, हमेशा और हमेशा ना इस लड़के को इसके माँ बाप कितना इसके माँ बाप के पास कितना पैसा है, कितना अर्न कर रहे, क्या कर रहे नहीं कर रहे, उसको सब जानना था। बहुत मनी ओरिएंटेड ये लड़का था, उसको पैसा पैसा, मतलब उसको दहेज में कितना पैसा मिलेगा, वो शादी के बाद क्या पैसा लेके आएगी, अराउंड उस थिंग, ये सब उसके दिमाग में ये सब चलता था, ये सब उसके लड़की के दिमाग में भी डालता था। ठीक है, और लड़की भी बेवकूफ़ थी, उसके बात नहीं आती थी। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। तो चलो, बहुत साल ये जो रिलेशनशिप उन लोगों का चला, नियर अबाउट 10 to 11 years उन लोगों का रिलेशनशिप चला। ठीक है, तो फाइनली ये लड़की इस रिलेशनशिप से ओवर तो हो गई, उसमें भी एक रीज़न था। उसके बाद इस लड़की का ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, उसके बाद मास्टर्स करना इस लड़की ने शुरू कर दिया, उसके बीच में ग्रेजुएशन के बाद उसकी मम्मी ने घर बुला लिया, बोला कि तुम घर आ जाओ मैं डिस्टेंस से मास्टर्स करो, फिर डिस्टेंस से लड़की मास्टर करने लगी। अब क्या करती है लड़की, नहीं बोल सकती थी कि नहीं मुझे यहाँ पे रहना है, कौन पैसा देगा उसको, लड़की तो कुछ करती नहीं थी, और पार्ट टाइम में भी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो है कमीना है, उसको कुछ करने नहीं देगा। ठीक है, और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे रहा और वो लड़की घर आ गई। ठीक है, तो वो तो कठपुतली थी सबके हाथों में, हाथों की कठपुतली थी। ऐसा उसकी ज़िंदगी में ऐसा चलता रहा, वो घर आ गई। ठीक है, घर आ गई, फिर मास्टर्स कर रही है वो लड़की, सब कुछ मास्टर्स भी उस लड़की का ख़त्म हुआ है, ऑल दिस थिंग्स। उस बीच में मास्टर्स के बीच में ही, जब वो मास्टर्स का फर्स्ट ईयर था, तभी उसके पापा का उसी ईयर में डेथ हो गया। ये भी उसको बहुत शौक था क्योंकि उसके पापा को कैंसर था। ठीक है, कैंसर से उसके पापा चल बसे, तो एनीवे ये भी एक शौक था। ठीक है, मास्टर्स भी उस लड़की का, फाइनली उस लड़की ने मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उस लड़की ने अभी घर बैठे क्या करेगी, उस लड़की को तो कुछ करना है, तो फाइनली फिर उस लड़की ने फाइनली बोला कि एक काम करो,
तुम छोटे मोटे कोई स्कूल में जॉब कर लो और कोई जगह पे नहीं। इस लड़की को मन था कि बड़े जगह में या कोई कंपनी में या कुछ पे और करेगी कुछ, लेकिन इस लड़की ने वो भी नहीं करने दिया। इवन कि वो लड़की, ये जो लड़का था, इस लड़की ने जब कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए या कुछ के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, इस लड़की ने उसमें भी बहुत प्रॉब्लम किया, बहुत झगड़ा किया कि किसके परमिशन से तुमने दाखिल हुई उस कोचिंग सेंटर में, ऑल दिस थिंग्स। जो भी हो, उस लड़की ने वो भी छोड़ दिया उस लड़की की वजह से। एनीवेज, फिर छोटे मोटे स्कूल में जॉब करने लगी। जॉब में भी उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ, छोटे से जगह में जॉब करी थी, उसमें भी उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई, क्योंकि उस वो अपने सारे कोलिग्स में से मतलब बाद में आई, लेकिन वो उस लड़की में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, तो इसीलिए उसके जो बॉस सीनियर्स थे, तो सीनियर्स लोग बहुत पसंद करते थे, और पेरेंट्स लोग जो बच्चे को पढ़ाते थे, पेरेंट्स लोग भी बहुत पसंद करते थे, एंड ऑल दिस थिंग्स। बहुत ज़्यादा उसका नाम हो रहा था, सब लोग पसंद कर रहे थे, ये सबसे उनके और जो कलीग्स थे उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो बहुत सारे गेम प्लान्स हो गए। वो लड़की बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुई। उसके बाद जिन लोगों से उसने प्यार किया था, कलीग्स सब जो थे, उन लोगों को वो अपने बहन की तरह, दोस्त की तरह मानती थी, उन लोग भी वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ। वो लड़की वहाँ पर बहुत डिप्रेस्ड हो गई। उसके बाद तो वो लड़की ने फाइनल डिसीजन लिया कि ये जॉब उसको छोड़ना है। तो जैसे तैसे करके उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था, तो रोते रोते रोज जाती थी आती थी। उसके बाद फाइनली उसने छोड़ दिया अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर करके, काम करके उसने ये जॉब छोड़ दिया। वो जब जॉब उसने छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद ही जब उसने जॉब छोड़ा, कंप्लीट हुआ, उसके एक दिन बाद ही उसके ज़िंदगी में एक टर्न ओवर पॉइंट आया, जिसके वो 2017 था। 2017 जो है उस लड़की के ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट एक साल था, क्योंकि वही जो साल था उसकी ज़िंदगी में एक अलग सा टर्न ओवर लिया उसकी ज़िंदगी में। 2017 में वो बीच में आपको एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी, ये जो लड़की थी ना, ये लड़की रिलीजियस नहीं थी, मतलब पूजा पाठ एंड ऑल जैसे होता है ना कि पूजा पाठ लड़कियां बहुत करती है, ये लड़की ना पूजा पाठ बचपन से कभी ये सब नहीं करती थी। बचपन से ना वो जब बहुत छोटी थी वो ना डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती थी, जैसे होता है ना, जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ वैसे वो बचपन से ही भगवान के साथ बात करती थी। मतलब बचपन से बच्चे जैसे बात करते हैं ना, वैसे जैसे मैं आपके सामने कोई बैठा है, वैसे वो डिवाइन के साथ, भगवान के साथ बात करती थी, और भगवान उसका जवाब भी देते थे। वो कुछ मांगती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे एक जलपेन चाहिए, तो उसको भगवान बोलते थे भाई तुम ऐसे पढ़ाई कर लो, ये कर लो, तो तुमको ये मिल जाएगा। तो वो कर लेती थी, उसके बाद वो चीज़ उसको मिल जाता था। तो ऐसे कैसे करके उसको भगवान के साथ उसका कम्युनिकेशन होता था, और वो बहुत अच्छी मैनिफेस्ट कर पाती थी। तब तो उसको ये सब पता नहीं था, तब तो वो छोटी थी, लेकिन भगवान के साथ उसने जो कहा कि मैं भगवान के साथ ऐसे ऐसे बात करती थी, मुझे उसने कभी पूजा पाठ नहीं किया। हाँ, वो शिवरात्रि करती थी बचपन से ही, उसके मम्मी ने उसको पकड़वाया, लेकिन वो उसको करना बहुत अच्छा लगता था, वो डेडिकेटली वो चीज़ करती थी, और उसने भी वो भगवान के साथ बात करती थी, ठीक है, तो वो भगवान के साथ बहुत अलाइन थी। लेकिन धीरे धीरे वो जब बड़ी होती गई ना, उसकी ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम जब आते गए ना, वो डिटैच होती गई। भगवान के साथ उसका जो कम्युनिकेशन था वो मतलब वो कम होता गया, मतलब वो बात तो करती थी कभी कभार, लेकिन वो भगवान क्या कह रहे उसको सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो जो क्या है, जैसे होता है ना कि आप भगवान के साथ चलते हो, अचानक से भगवान के साथ धीरे धीरे आपका हाथ छूटने लगता है, कनेक्शन टूटने लगता है, वैसे ही वो बात तो करती थी कभी कभार, लेकिन धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन कम हो गया, इसीलिए वो भगवान बहुत दूर चली गई, इसीलिए भगवान का आवाज़ वो अपने अंदर सुन नहीं पाती थी। मतलब इसका मतलब ये है गाइस, वो स्पिरिचुअली तो बचपन से स्पिरिचुअल थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत के लिए वो डिस्ट्रैक्ट होती, डिरेल्ड हो गई थी। भगवान के साथ जब थी उसकी ज़िंदगी में फिर भी सुकून था, शांति था, उसको समझ में आ रहा था कुछ, लेकिन वो तो बच्ची थी, उसको तो इतना कुछ पता नहीं था। तो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में इतना प्रॉब्लम्स आए, वो भगवान के साथ कम्युनिकेशन से कम होता गया, और उसकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते गए।
ये भी एक चीज़ समझने के लिए, इसीलिए मैं इतने डिटेल में आपको बोल रही हूँ। तो वही चीज़ उसके बाद, वही जो कम्युनिकेशन है, वही चीज़ 2017 में उसका फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया? 2017 में जून 3rd या 4th में उसने एक थेरेपी की, एंजल थेरेपी, ठीक है। उसके साथ अब उसको एंजल्स के बारे में, ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था, उसके बाद उसको पता चला, उसके बाद उसके एंजल के थ्रू एंड ऑल दिस थिंग्स उसने कनेक्ट करना शुरू कर दिया फिर से। उसको फीलिंग, ये लड़की जो इतनी साइकिक है, इतनी पावरफुल है, उसको खुद को पता नहीं था, उसको बहुत कुछ दिखने लगा, विजुअल फील करने लगी, ठीक है, आवाज़ सुनने लगी एंजल्स का, ठीक है, फिर फील करने लगी कि एंजल्स को पोक कर रहे, कुछ बता रहे, ये सब बहुत कुछ फील करने लगी। धीरे धीरे फिर से उसका कनेक्शन, मतलब भगवान उसको, मतलब ये चीज़, ये जो उसके ज़िंदगी में हुआ ना, ये सब कार्मिक एक लेसन था, उसको ज़िंदगी में ये सब सीखना था। तब उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड का, उस टाइम में 2017 में जून की बात कर रही हूँ मैं, ब्रेकअप नहीं हुआ था, लेकिन बहुत दिन से वो लड़की उस लड़के को बोल रही थी कि भाई ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप पैचअप तो उस लड़के के, लड़की के बीच में बहुत बार हुआ है, लेकिन वो उस लड़का हमेशा लाइट ही रहता था, कुछ उसको वैल्यू भी नहीं देता था। लेकिन ये लड़की ना ब्रेकअप कभी कर नहीं पाती थी, बिकॉज ऑफ द रीज़न, उसको हमेशा लगता था भाई सबको पता है उसके रिलेशनशिप के बारे में, सारे घर वालों को पता है, बाहर वालों को पता है, ऊपर से उसके साथ इतनी अटैच्ड है, सब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और उसके बाद अगर वो उसको छोड़ देगी तो उसका ज़िंदगी में क्या रहेगा, उसका ज़िंदगी कैसे चलेगी, मतलब करियर भी तो उसका कुछ नहीं है, फ्यूचर में क्या करेगी, कहाँ जाएगी, बहुत कुछ सोच में वो लड़की थी, इसीलिए कभी उस लड़की को छोड़ नहीं पाई। क्या है इसका, इस फियर, कोडिपेंडेंसी इश्यूज, ठीक है। इस लड़की को ये सब कुछ पता नहीं था तब, लेकिन डर था, ठीक है, अटैचमेंट, प्यार नहीं था वो, जिस लड़की को जो चीज़ वो लड़की प्यार समझ रही थी वो अच्छे से था अटैचमेंट, कोडिपेंडेंसी, ठीक है। हुआ ये सब, तो चलिए उसके बाद क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी में एंजल से कनेक्शन हो गया। जब भी एंजल से कनेक्शन हो गया, अचानक से जो उस लड़की के, जो लड़की सोच रही थी रिलेशनशिप वो ब्रेकअप करेगी, ब्रेकअप करेगी, एकदम छोड़ देगी, ऐसा कुछ हिम्मत नहीं हो पा रही थी, अचानक से उसके मन में पता नहीं कहाँ से एक दिन में शक्ति आ गई, बहुत शक्ति आ गई। उसने ठान लिया कि भाई आप तो इस रिलेशनशिप से मुझे मुक्त होना है, कि उस लड़की को बहुत कुछ तब समझ में आ गया कि भाई ऐसे ज़िंदगी नहीं चलने वाली है, क्योंकि अगर आज इस हालत में मेरी हालत ऐसी हो गई है, अगर उस लड़की के साथ मैं नेक्स्ट स्टेप में जाती हूँ, अभी मुझे इतना डर लग रहा है, तब क्या होगा, तब तो वो लड़का शायद मुझे मार डालेगा, मुझे वो जैसे बोलता है कि लात मार के घर से निकालूंगा, ऐसे करोगी तो, वैसे करोगी तो सच में तो लात मार के निकालेगा, तब मैं क्या करूँगी। तो बहुत चीज़ें लड़की ने बहुत सोचा उस टाइम पीरियड में, एक दो महीने में, उसके बाद अगस्त महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद अगस्त महीना उसके ज़िंदगी में एक और एक टर्नओवर पॉइंट है, अगस्त 2017। तो ये पार्ट 6 में आपको बोलूँगी क्या हुआ उसके बाद।